हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज अंशिका मिश्रा फ्रॉम पार्थ एजुकेशन यूट्यूब ऑनलाइन चैनल। और एक बार फिर से आप सबका आज की क्लास में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, देख लेते हैं विलियम फोकनर, ये एक अमेरिकन पोएट थे। अमेरिकन पोएट्स को ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अमेरिकन पोएट्स में जो सबसे पहले पोएट होंगे हमारे, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होंगे। यानी आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ लाइंस मैं आप लोगों के सामने विलियम फोकनर की जो लाइंस है उसको रखना चाहती हूँ, उसको दिखाना चाहती हूँ। और वो लाइन है, रीड 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 एवरीथिंग। यानी ये विलियम फोकनर की लाइन है कि रीड 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 एवरीथिंग, ट्रैश, क्लासिक्स, गुड एंड बैड, एंड सी हाउ दे डू इट। आप रीड करना स्टार्ट करो, जो भी चीजें आपको मिल रही हैं आप रीड करो। जस्ट लाइक अ कारपेंटर हु वर्क्स एज एन अप्रेंटिस एंड स्टडी द मास्टर। तो ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल लाइन है कि जो भी चीजें आपके सामने आ रही है, वो क्लासिक हो या वो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हो, आप रीड करिए। क्योंकि रीडिंग जो है ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। और जैसे कहा जाता है कि अ रूम विदाउट बुक्स इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। तो बुक्स आपके पास जरूर होनी चाहिए और रीडिंग आपकी हैबिट होनी चाहिए और आप उसे एंजॉय करें। जब तक आप उसे एंजॉय नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपको एक वर्कलोड की तरह से लगेंगी और वो चीजें फिर आपके लिए इजी नहीं होंगी। तो आप पहले तो जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, सबसे पहले उसे एंजॉय करना सीखें। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। यानी पढ़ना अगर आपका काम है तो आप उसे एंजॉय करना सीखें, और ये सबसे बड़ी बात है। और यही लाइन यहाँ पे विलियम फॉकनर की भी है। तो विलियम फॉकनर की इस लाइन के साथ हम लोग आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट करेंगे। और क्लास जो है वो किसकी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को न्यू पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता है, यानी पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे। और उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। PGT, GIC और NET तीनों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में कई बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमेशा से पूछे जाते हैं। इनके वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे क्लास को आज की, और इनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद को क्या मानते हैं, एम्बॉडीमेंट ऑफ न्यू इंग्लैंड। इसीलिए उनको कहा जाता है पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है, पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। और उन्होंने खुद को कंसिडर किया है, उन्होंने खुद को कंसिडर किया है और उनको कहा जाता है पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड। उन्होंने खुद को कंसिडर किया है। और अखिलेश जी, प्रैक्टिस डेली क्विजेस के फॉर्म में अभी हो रही है और जैसे ही टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा प्रैक्टिस आपके यहाँ ऑनलाइन भी होगी, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सत्या लिख करके पढ़ाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और अभी सिर्फ 1 आवर की क्लास मिल रही है, 2 आवर्स की क्लास मिल नहीं रही। तो अभी इस वजह से कोशिश है कि आपका कोर्स जो है वो कवर हो पाए। जैसे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं समझ में आई होंगी, उन्हें मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिमसेल्फ कंसिडर्ड द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ द न्यू इंग्लैंड एंड वॉज कॉल्ड अ एसेंशियल वॉइस एंड स्पिरिट ऑफ द एरिया, ठीक है, एसेंशियल वॉइस एंड स्पिरिट ऑफ द एरिया। तो ये आपको पॉइंट यहाँ से याद करना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने खुद के बारे में कहा है एसेंशियल वॉइस एंड स्पिरिट ऑफ द एरिया। और इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है, पोएट ऑफ न्यू इंग्लैंड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF मैं आपको सेंड करवा दूंगी अभी क्लास होने के बाद, ठीक है। अखिलेश देखिए, उसके लिए क्लास मिलेगी अगर स्पेशल, तब क्विज हो पाएगी। डेली आपको 15-20 क्विज दी जाती है और डेली अगर आप उसको सॉल्व करते रहें तो भी आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, ठीक है। कब उनका बर्थ हुआ था, तो 26 मार्च 1874, ठीक है। तो 26 मार्च 1874 ये जो है ये उनकी बर्थ डेट है। और उनकी उनका जो बर्थ प्लेस था वो क्या था, सैन फ्रांसिस्को था, कैलिफोर्निया। यानी जो बर्थ प्लेस था उनका वो क्या था, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को
जो कि कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, और जो डेट थी वो क्या थी, 26 मार्च, ठीक है, अभी उसको भेजवा देते हैं संजीव, 26 मार्च 1874, ठीक है, ये उनकी डेट थी, यानी डेट आपको याद रखनी है 26 मार्च 1874, और बर्थ प्लेस आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, ठीक है, ये दो चीज आपको, ये आपको दो चीज जो है ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है इनके फादर का नाम, तो इनके फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम था विलियम प्रिस्कुट, ठीक है, विलियम प्रिस्कुट वॉज द नेम ऑफ हिज फादर, तो इनके पिता का नाम यानी इनके फादर का नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, याद करना है, आप नोट डाउन करते चलिए, मैं स्पीड बहुत कम रखूंगी, बिल्कुल स्पीड तेज नहीं करूंगी, आप नोट डाउन करते रहिए, जिनको भी नोट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप कल फुट एंड मीटर पढ़ाया था पुष्पेश, कल की क्लास आप देख लीजिएगा। तो द नेम ऑफ हिज फादर वॉज विलियम प्रिस्कुट फ्रॉस्ट एंड मदर वॉज इजाबेला मूडी, ये इनकी मदर का नाम था और ये इनके फादर का नाम था। तो दो चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, द नेम ऑफ हिज फादर, ये पीडीएफ मैं गुलनार सेंड करा दूंगी, द नेम ऑफ हिज फादर वॉज विलियम प्रिस्कुट एंड मदर वॉज इजाबेला मूडी, ये दो चीज आपको याद रखनी है, फादर एंड मदर का नाम, ठीक है। से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, टीजीटी पीजीटी बाय अंशिका मैम के नाम से है, और मैंने कल की भी क्लास में लिंक शेयर कराया था, परसों की क्लास में भी लिंक शेयर कराया था, और फेसबुक पे भी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, उनके पेरेंट्स का नाम। थर्ड चीज जो याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि इनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक थी, यानी इनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें बहुत ज्यादा ग्रीफ थे, बहुत ज्यादा ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे पहला ट्रैजिक इंसिडेंट अगर हम बात करें, तो जब ये मात्र 11 इयर्स के थे, यानी सिर्फ 11 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो गई थी, यानी हिज फादर वाज डाइड व्हेन ही वाज ओनली 11, यानी इनके फादर की डेथ हो गई ओनली एट द एज ऑफ 11, यानी सिर्फ वो छोटे बच्चे थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई, और फादर की डेथ के बाद जो इनकी मदर थी वो भी डिप्रेशन में रहने लगी, इनके सिस्टर ने भी मेंटल असाइलम में सुसाइड कर ली। तो एक तरह से इनकी जो फैमिली हिस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक थी, इनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक थी, ट्रैजिक इंसिडेंट्स बहुत हुए इनके साथ। तो आपको ये पॉइंट यहाँ से भी याद रखना है। भानु सभी लोगों की तो हो जा रही है क्विज स्टार्ट, आप क्विज ओपन करिए, क्विज बोट आएगा, आप उसमें जाकर के स्टार्ट करिए, नीचे स्टार्ट होता है, मैंने एक वीडियो भी इस पर शेयर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा। शशि ऐसा नहीं है कि एक ही क्विज आती है, आप एक क्विज को अगर फिनिश करेंगे ठीक है तो दूसरी क्विज वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम रही हो इस वजह से स्टार्ट ना हुई हो। तो किनीति पूजा, अगर आप टेलीग्राम चैनल जो मैंने एक अलग से बनाया हुआ है क्विज के लिए आप उसको ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखिए, व्हेन रॉबर्ट वाज 11 हिज फादर डाइड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी से उनके फादर की डेथ हो गई थी। सेकंड पॉइंट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो इनके एजुकेशन को लेकर के है, और एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया था लॉरेंस हाई स्कूल के बाद 1892 में, और उसके बाद डार्टमाउथ कॉलेज को ज्वाइन किया था, लेकिन डार्टमाउथ कॉलेज को इन्होंने ज्वाइन किया लेकिन डिग्री इन्होंने नहीं ली, यानी इन्होंने ऑक्सफोर्ड को भी ज्वाइन किया था और डार्टमाउथ कॉलेज को भी ज्वाइन किया था, लेकिन दोनों ही जगह इन्होंने डिग्री नहीं ली बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, तो और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये अपनी डिग्री जो है वो कम्प्लीट नहीं कर पाए थे। तो इसके बाद देखें, इन 1894 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम माई बटरफ्लाई एंड एलिजी इन द नवंबर एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंस। तो न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंस जो मैगजीन थी उसमें, जो पीरियोडिकल्स था उसमें इनकी पहली पोयम जो है वो पब्लिश हुई थी, माय बटरफ्लाई एंड एलिजी, तो ये इनकी फर्स्ट पोयम थी, ये आपको याद रखना है कि इनकी पहली जो पोयम थी वो क्या थी, माय बटरफ्लाई एंड एलिजी, और वो कब पब्लिश हुई थी, वो पब्लिश हुई थी 1894 में नवंबर एडिशन में, किसने पब्लिश हुई थी, न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
उर्मिला, जो आपकी एक जो क्विज है वो फिनिश हो गई होगी, तो जो सबसे लेटेस्ट क्विज भेजी है मैंने उसको ओपन करें। जब उसको ओपन करेंगे स्टार्ट द क्विज, तो वो वाली क्विज ओपन होगी। पहले वाली क्विज को या तो आप बीच में छोड़ देते हैं, तब वही क्विज बार बार स्टार्ट होती है। तो आप पहले वाली क्विज को अगर बीच में छोड़ रहे हैं, बीच में ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप स्टॉप कर दीजिए। और अगर आप पूरी फिनिश कर ले रहे हैं, तो जब आप दूसरी क्विज के लिंक पर ओपन करेंगे, तो दूसरी क्विज ही ओपन होगी। राधा, 3 ही है, एक्स्ट्रा क्लास थी कल, मैंने इसलिए ले लिया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने अपनी क्लास फेलो, स्कूल फेलो कह सकते हैं, जो स्कूल से ही उनके साथ थी, जिनका नाम था इलिनोर मरियम वाइट। तो इलिनोर मरियम वाइट जो थी, ये इनके स्कूल फेलो थी, और इन्हीं के साथ इन्होंने शादी कर ली, मैरिज कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को याद रखिए, पियर्स इलियट का वेस्टलैंड पढ़ाने के बाद बीच में गैप हो गया था, और गैप के बाद 2 दिन इधर पढ़ाया है उषा। तो यहाँ पर इन 1895 रॉबर्ट मैरिड एलिनोर मरियम वाइट, हिज फॉर्मर क्लासमेट एट लॉरेंस हाई स्कूल। तो लॉरेंस हाई स्कूल में इनकी क्लासमेट थी, क्लास फेलो थी, इनसे इन्होंने शादी कर ली थी। इनके टोटल 6 चिल्ड्रेन हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 में से अगर जो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव की वो उनकी ओनली 1 डॉटर थी, और 2 डॉटर या 2 सन कह सकते हैं, 2 चिल्ड्रेन इनके सर्वाइव किए थे, बाकी 4 की बहुत ही अर्ली एज में, प्रीमेच्योर एज में ही डेथ हो गई थी। तो 6 चिल्ड्रेन में केवल 2 ही सर्वाइव किए थे, बाकी 4 की जो थी वो डेथ हो चुकी थी प्रीमेच्योर एज में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है राधा, लिंक मैंने शेयर करवाई हुई है फेसबुक पर भी, अगर आप मेरे फेसबुक चैनल से जुड़े हुए हैं, या कल की क्लास में भी मैंने लिंक शेयर कराई थी, आज की क्लास में भी करा देंगे अभी, और अभी शेयर करवा दिया है मैंने। तो आप उस लिंक को क्लिक करिए, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा नीचे, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़ जाएंगे, जिनको भी ज्वाइन करना है लिंक मैं शेयर करवा दे रही हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें क्विज की जो लिंक है वो पड़ी हुई है, स्टार्ट द क्विज पर आप क्लिक करेंगे तो क्विज बोर्ड पर ही क्विज ओपन होगी। नीचे स्टार्ट लिखा रहता है, आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, फिर आई एम रेडी लिख के आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और फिर आपकी क्विज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो क्विज बोर्ड पर ही आएगी, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए कि क्विज बोर्ड ओपन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये था, इनकी वाइफ का नाम, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। टेलीग्राम की लिंक है ये, इस पर क्लिक करके आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेलीग्राम की लिंक है इस पर आप क्लिक करिए, और उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। In 1897, actually 1897 से 1899 तक, ठीक है, 1897 से 1899 तक ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने वहाँ से खुद छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, ड्यू टू हिज इलनेस। तो 1897 टू 1899 ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन वहाँ से इन्होंने विदाउट टेकिंग डिग्री खुद ही छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ इलनेस। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा पूजा, कि आपकी क्लासेस क्यों, आपकी जो क्विज है क्यों ओपन नहीं हो रही है। अमोघ, ये मैंने कई बार बताया, शेक्सपियर की क्लास में सेकंड एडिशन, आप पीडीएफ ओपन करिए, आपको उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। आप कोई भी पीडीएफ, जो भी हिस्ट्री प्ले है उसका पीडीएफ आप ओपन कर लीजिए। इन 1900 फ्रॉस्ट मूव टू अ फॉर्म इन डेरी न्यू हैम्पशायर एंड हिज मदर ऑल्सो डाइड ड्यू टू कैंसर। तो यहाँ पर 1900 में 2 इंसिडेंट हुआ था, एक तो इनकी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी, ये भी इनके लिए एक डिप्रेशन वाली ही बात थी। दूसरी चीज़ कि इन्होंने एक डेयरी फॉर्म खरीदा था न्यू हैम्पशायर में। ठीक है, आप GIC ग्रुप में हैं अमोघ, तो आपको कल या परसों में PDF मिल जाएगी। और क्लास फिनिश होने दीजिए, मैं डिस्कस कर दूंगी। इन 1912 फॉर द सेक ऑफ पोएट्री ही सोल्ड हिज फॉर्म। ठीक है, 1912 में उन्होंने क्या किया था, अपने डेयरी फॉर्म को सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था, और वहां से ये कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे अपनी फैमिली के साथ, यानी अपनी वाइफ और अपने चिल्ड्रन के साथ ये कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। और इसके पहले ये कहाँ थे, USA में थे, अमेरिका में थे, वहां से ये इंग्लैंड चले गए थे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये एक अमेरिकन पोएट थे। इसके बाद की जब बात करते हैं, तो यहां से आपका पूनम, जब भी क्लास होगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, और अभी क्लास इसको कंटिन्यू चलने दीजिए, उसके बाद आपके कमेंट्स के आंसर मैं लास्ट में दे पाऊंगी।
तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट वॉल्यूम, आपको यहाँ से पॉइंट जो है वो याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम अंडर द टाइटल अ बॉयज विल वॉज पब्लिश्ड इन लंदन इन 1913। 1913 में इनका पहला जो वॉल्यूम था, ठीक है, पोएम का, पोएट्री कलेक्शन थी, वो पब्लिश हुआ था अ बॉयज विल। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, अभी आप केवल पॉइंट वाइज देखते चलिए। तो अ बॉयज विल ये उनका पहला पोएट्री वॉल्यूम था जो कि कब पब्लिश हुआ था, 1930 में, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड वॉल्यूम पोएम्स का जो था वो उनका पब्लिश कब हुआ था, वो हुआ था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, कब पब्लिश हुआ था 1914 में, यानी वन ईयर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बॉयज विल। इसके एक साल के बाद दूसरा पोएट्री कलेक्शन उनका आया था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, और ये कब आया था 1914 में, ठीक है। तो 1914 में आया था और ये कब आया था 1913 में आया था। तो ये दोनों ही डेट और ये दोनों ही वॉल्यूम्स के नाम आपको याद रखने हैं। थर्ड पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर आ जाता है कि ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसी समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो गया था। तो 1915 में ये यूएसए वापस आ गए थे और वहां पर उन्होंने अपना एक फॉर्म खरीदा, और फॉर्म खरीदने के बाद वहां पर इन्होंने खुद को डिवोट कर दिया किसमें, टीचिंग और लेक्चरिंग में, और कई सारे कॉलेजेस में इन्होंने लेक्चर्स दिए, कई सारे कॉलेजेस में इन्होंने टीच किया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो इनका थर्ड वॉल्यूम है। टू वॉल्यूम्स आपने देखा, पहला वॉल्यूम था अ बॉयज विल जो कि 1913 में आया था, दूसरा वॉल्यूम था नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो कि 1914 में आया था, और यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है पोएट्री कलेक्शन उनका जो कि कब आया था, जो आया था 1916 में, और टाइटल क्या था, माउंटेन इंटरवल। पहले इसका टाइटल हिल वाइफ था लेकिन बाद में इसे माउंटेन इंटरवल के नाम से जाना गया या पब्लिश किया गया। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, और इसके साथ ही साथ ओके सचिन वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, माउंटेन इंटरवल इज द थर्ड पोएटिक वॉल्यूम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये कब पब्लिश हुआ था, 1916 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है, ही वॉज इलेक्टेड टू द मेंबरशिप ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इन 1916। यानी 1916 में दो इंपॉर्टेंट इवेंट है। पहला इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था कि उनका थर्ड वॉल्यूम आया था, और तीसरा दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है कि उनको मेंबर चुना गया था किसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स का। तो दो पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है, आपको दो पॉइंट यहां पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1923 द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स कॉल्ड न्यू हैम्पशायर वॉज पब्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, इसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर इनको पुलित्जर प्राइज मिला था किसके लिए, न्यू हैम्पशायर के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन्हें फोर टाइम्स पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है, चार बार इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है पोएट्री के लिए, ठीक है। तो चार बार इन्हें क्या मिला है, पुलित्जर प्राइज मिला है। 40 से भी ज्यादा इनको ऑनरेरी अवार्ड्स मिले हैं, और 31 टाइम्स इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। यानी 31 टाइम्स इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, बहुत ही ज्यादा बार इनको नॉमिनेट किया गया है, 4 टाइम्स इनको पुलित्जर प्राइज मिला है, और 40 से भी ज्यादा इनको ऑनरेरी जो मेडल्स हैं, ऑनरेरी जो कह सकते हैं कि प्राइजेस हैं, वो इनको दिए गए थे। तो बहुत ही ज्यादा ऑनरेरी पोएट हैं ये, और इनको हमें याद रखना है। कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं इनकी लाइफ के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए यहाँ पर देखो, अब 4 टाइम्स पुलित्जर है, बुक को सही कर लीजिए। तो पहली बार पुलित्जर उनको कब मिला था, न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यू हैम्पशायर के लिए उनको फर्स्ट टाइम पुलित्जर प्राइज मिला था। ये प्राइज है जो कि बेस पोएट्री के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो उनका सेकेंड वॉल्यूम, जो एक वॉल्यूम उनका और आया था वेस्ट रनिंग ग्रुप इसके नाम से, और ये कब लिखा गया था, 1923 में, पब्लिश कब हुआ था, 1928 में, ठीक है।
तो ये चीज आपको याद रखनी है जी। चंचल जी क्विज करवाते हैं, टेलीग्राम पे करवाते हैं, और इसके साथ यहाँ पर देखो क्या है, इसके साथ आप ये जो कमेंट्स है आपके, इसको आप लास्ट में करिएगा तो आपको मैं आंसर दे पाऊंगी। क्विज के लिए मैंने टेलीग्राम लिंक शेयर कर दी, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट की जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है जो, वो क्या है, ही वॉज इलेक्टेड टू द मेंबरशिप इन अमेरिकन एकेडमी इन 1930। 1930 में इन्हें अमेरिकन एकेडमी का मेंबर चुना गया था, चूज किया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको पॉइंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सेकेंड चीज, इनको दोबारा से पुलित्जर प्राइज दिया गया था 1931 में, और वो किसके लिए दिया गया था, कलेक्टेड पोएम। इनकी कलेक्टेड पोएम्स आई थी जो कि पोएटिक वॉल्यूम था जिसमें पोएम का कलेक्शन था, और वो आई थी 1931 में, और इसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज सेकेंड टाइम दिया गया था। ठीक है, तो सेकेंड टाइम इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया है किसके लिए, द कलेक्टेड पोएम्स के लिए। इसके लिए उनको सेकेंड टाइम पुलित्जर प्राइज मिला है। इनकी जो डॉटर थी एक, जो कि उनके बहुत ज्यादा उनके डियर थी, बहुत ज्यादा डियर वन थी, मार्जरी, इनकी डेथ हो गई थी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, और उसी ईयर में इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। एक्चुअली इनकी वाइफ भी जो थी वो, उनको 1937 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और उसके बाद हार्ट फेल्योर की वजह से इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। यानी ये जो टाइम था, ये टाइम इनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मिजरेबल था, पर्सनल लाइफ इनकी जो थी वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में थी, और फिर भी ये कॉन्टिन्यू लिख रहे थे। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि उनकी वाइफ की डेथ हुई, उनकी बेटी की डेथ हुई, ऑलरेडी उनकी सिस्टर की डेथ हो चुकी थी, तो यहाँ पर उनकी जो पर्सनल लाइफ है, मदर की भी डेथ हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा मिजरेबल थी, यानी बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक थी। इसके बाद की बात करते हैं, In 1938, Frost won the third Pulitzer Prize for A Further Range. ये भी एक poetic volume है जिसके लिए उन्हें तीसरी बार Pulitzer Prize दिया गया था। तो third time भी आपको याद रखना है, किसी book में अगर three times ही दिया है तो आप उसे correct कर लें, four times उनको मिला हुआ है। In 1940, he bought a 5-acre plot in South Florida, South Miami, फ्लोरिडा, नेमिंग पेंसिल पाइन्स। पेंसिल पाइन्स के नाम से इन्होंने 5 acre का एक प्लॉट खरीदा था, और अपने विंटर टाइम को वो वहीं पर स्पेंड करते थे टिल हिज डेथ। अपनी डेथ तक वो अपना जो विंटर टाइम था वो यहीं पर स्पेंड करते थे, पेंसिल पाइन। ये नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जब बात करते हैं, तो लास्ट जो पुलित्जर प्राइज है, यानी फोर्थ टाइम जो उनको पुलित्जर प्राइज है, वो मिला है उनको अ विटनेस ट्री के लिए, ठीक है, अ विटनेस ट्री के लिए उनको मिला है, जिसमें उनकी एक फेमस पोएम थी द गिफ्ट आउटराइट, जो कि उन्होंने एफ कैनेडी, जो कि अमेरिकन ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे, उनके इनॉग्रेशन पर जो उनकी सेरेमनी थी, तो उस पर उन्होंने गाया था। तो ये द विटनेस ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोएटिक वॉल्यूम, और इसके लिए इन्हें फोर्थ पुलित्जर प्राइज मिला, यानी टोटल फोर टाइम्स उनको पुलित्जर प्राइज अवार्ड दिया गया था। ये आपको याद रखना है किसके किसके लिए मिला है, और कितनी बार मिला है, और किस किस ईयर में मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इनकी लाइफ का, वो है ही रिसीव्ड ओवर 40 ऑनररी डिग्रीज, इंक्लूडिंग वंस फ्रॉम प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, एंड ही वॉज द ओनली पर्सन टू रिसीव ऑनररी डिग्रीज फ्रॉम डार्टमाउथ कॉलेजेस। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है यहाँ पर कि उन्हें 40 से ज्यादा ऑनररी डिग्रीज मिली थी। 1960 में इनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेसनल गोल्ड मेडल भी दिया गया था। तो 1960, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट में इनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ कांग्रेसनल गोल्ड मेडल दिया गया था। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ऑनररी मेडल था जो कि उनको दिया गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑन जुलाई 22nd, ठीक है, तो यहां पर देखो, ऑन जुलाई 22nd 1961 ही वॉज नेम्ड पोएट, अमेरिकन है वो, ब्रिटिश नहीं। ऑन जुलाई 22nd 1961 ही वॉज नेम्ड पोएट लॉरेट ऑफ वर्मोंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1961 में वर्मोंट के पोएट लॉरेट उनको बनाया गया था, ठीक है, तो वर्मोंट का पोएट लॉरेट बनाया गया था उनको। ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है कि उनको पोएट लॉरेट वर्मोंट का बनाया गया था, वो विमेन क्लब से भी जुड़े हुए थे, और ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि वो अपनी लाइफ में विमेन क्लब से भी जुड़े हुए थे। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, तो उनके डेथ जो है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना था कि पोएट लॉरेट ऑफ वर्मोंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है
पोएट लॉरेट ऑफ वर्मोंट उनको कब बनाया गया था, 22 जुलाई 1961 को, ठीक है, 22 जुलाई 1961 को उनको बनाया गया था, क्या, वर्मोंट का, ठीक है। तो यहां पर देखो, On 20th January 1961, at the age of 86, he was invited by the American President John F. Kennedy. ठीक है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, जिनको जिन्होंने इन्हें इनवाइट किया था, और उस समय इनकी एज बहुत ज्यादा थी, 86 की थी, और इनकी आई साइट भी बहुत वीक हो चुकी थी, और इसके साथ ही साथ जब ये पोडियम पे खड़े थे तो इनके सामने धूप भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तो ये कुछ रीड नहीं कर पा रहे थे। तो इनके जो मेमोरी में थी पोयम, वो पोयम थी द गिफ्ट आउट राइट, जो कि द विटनेस ट्री से ली गई है, और पेट्रियोटिक पोयम है ये, पेट्रियोटिक लिरिक है, तो उसको उन्होंने वहां पर गाया था, और जॉन एफ कैनेडी ने खुद उनके सामने ऐसे हैट रखा था ताकि जो धूप है, जो सनलाइट है, वो सीधी उनकी आंखों पे ना पड़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है कि जॉन एफ कैनेडी की इनॉग्रेशन स्पीच जो थी प्रेसिडेंट वाली, उस समय इन्होंने, ठीक है, उस समय इन्होंने क्या किया था, उस समय इन्होंने द गिफ्ट आउट राइट, ये जो पोयम है इसको उन्होंने रिसाइट किया था उनकी स्पीच के जो सेरेमनी थी, प्रेसिडेंशियल सेरेमनी थी वहां पर। तो द गिफ्ट आउट राइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम है, पैट्रियोटिक पोयम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि उन्होंने 1961 में ही द गिफ्ट आउट राइट पोयम को रिसाइट किया था, जो प्रेसिडेंशियल सेरेमनी थी उसके इनॉग्रेशन में। फर्स्ट डाइड इन बोस्टन एट द एज ऑफ 88 की एज में, यानी इसके दो साल बाद, 86 की एज में इनको मिला था, और 86 की एज के बाद, अपूनम अभी नहीं भेजा है उसको, तो उसके बाद जो है 88 की एज में इनकी डेथ हो गई थी 1963 में, फ्रॉम आफ्टर इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कैंसर। तो कैंसर की कुछ सर्जरी हुई थी उनकी, और उसके बाद उसके कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से इनकी जो हेल्थ थी वो डाउन हो गई थी, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 88। तो 88 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उनकी डेथ किस एज में हुई थी, ये ईयर आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है। He was buried at Old Bennington Cemetery in Bennington, Vermont. ठीक है, तो Bennington में है Vermont, वहां पर इनको दफनाया गया था Vermont में, Bennington में, और इनकी जो ग्रेव स्टोन है उस पर इनकी पोयम थी एक, उसकी लाइन लिखी हुई है, और वो पोयम थी लेसन फॉर टूडे, ठीक है। तो लेसन फॉर टूडे ये उनकी एक पोयम थी जो कि 1942 में आई थी, और इस पोयम की 4 लाइंस को उनके एपिटाफ की तरह से यूज किया गया था, और वो 4 लाइन कौन सी है, तो वो 4 लाइन है, एंड वेयर एन एपिटाफ टू बी माय स्टोरी, आई वुड हैव अ सॉर्ट वन रेडी फॉर माय ओन, आई वुड हैव रिटेन ऑफ मी ऑन माय स्टोन, आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो 4 लाइनें हैं इनकी पोयम की, और वो पोयम कौन है आपको याद रखनी है, लेसन फॉर टुडे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, कि ये जो पोयम है उनकी द लेसन फॉर टुडे, ये 1942 में आई थी, और इसमें उन्होंने जो कंक्लूडिंग 4 लाइंस है वो उनके एपिटाफ की तरह से यूज की गई है, और ये उन्होंने खुद ही एज एपिटाफ लिखा ही था, लाइन भी अगर आप पढ़े तो आपको क्लियर है कि एंड वेयर एन एपिटाफ टू बी माई स्टोरी, I would have a short one ready for my own. मैंने छोटा सा अपने लिए already ready करके रखा हुआ है. I would have written of my on my stone. मैं चाहता हूँ कि मेरे stone पे ये लिखा जाए. I had a lover's quarrel with the world. तो ये जो line है, ये line इनके epitaph पर लिखी हुई है. ठीक है? तो ये आपको याद रखना है यहाँ से कि ये बहुत important है कि Robert Frost का जो epitaph है, वो किस poem से लिया गया है? तो वो लिया गया है किससे? वो लिया गया है lesson for today से. ठीक है? तो ये आपको याद रखना है. इसके बाद इनके वर्क को हम लोग अगर देखें तो इनके जो मेजर वर्क है उसमें पोएट्री कलेक्शन भी है और उसमें प्लेज भी है. तो पोएट्री कलेक्शन और प्लेज दोनों ही लिखा था, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो पोएट्री के लिए अपने ज्यादा फेमस है, तो हम दोनों को ही देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोएट्री कलेक्शन में, जैसे अभी मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट पोएट्री कलेक्शन है उनके, उनको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे. 1913 में बॉयज विल आई थी, 1914 में नॉर्थ ऑफ बोस्टन, 1916 माउंटेन इंचोवल आई थी, 1923 न्यू हैम्पशायर आई थी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं साइड में हूँ. 1923 सेलेक्टेड पोएम्स आई थी,
इसके बाद की जब बात करते हैं तो 1928 में वेस्ट रनिंग ग्रुप आई थी, 1929 द लवली सेल्बी चूजर्स, 1930 कलेक्टेड पोएम्स, 1933 द लोन स्ट्राइकर, एंड 1936 में आई थी फ्रॉम स्नो टू स्नो, 1936 अ फर्दर रेन्स, 1939 कलेक्टेड पोएम्स, और इसके साथ ही साथ 1939 में कलेक्टेड पोएम्स, 1942 अ विटनेस ट्री, जिसमें अभी मैंने बताया द गिफ्ट आउट राइट थी, और इसके साथ ही साथ 1943 कम इन एंड अदर पोएम्स, 1949 यहाँ पर कंप्लीट पोएम्स, 1951 हार्ड नॉट टू बी किंग, एंड 1962 लास्ट पोएट्री कलेक्शन है इनका इन द क्लियरिंग। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये उनके पोएम के कलेक्शन थे। इसको अभी हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे मांडवी, तो यहाँ पे आपको इतना परेशान नहीं होना, ये सारी जो है इनको मैं अभी डिटेल में ही पढ़ाएंगे। लिख कर पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मांडवी, और क्लास सिर्फ अभी एक 1 आवर्स की ही मिल रही है। तो ये इनके पोएट्री कलेक्शन के नेम है, ठीक है, जो प्लेस थे इनके, अ वे आउट, अ वन एक्ट प्ले, ये जो प्ले का नाम है इनका अ वे आउट, ये क्या है, ये इनका वन एक्ट का प्ले है, ठीक है। इसके साथ ही साथ द काउज इन द कॉर्न, ये भी एक वन एक्ट आयरिश प्ले है जो कि राइम में लिखा गया है। तीसरी चीज है अंकित जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देख लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अंकित, जितनी बार आप वीडियो देखेंगी उतना ही आपका फायदा भी होगा, अगर आप बार बार वीडियो देख रही हैं तो वो चीजें आपको सुनकर ही लर्न हो जाएंगी। द काउज इन द कॉर्न, ये उनका सेकेंड ड्रामा है, सेकेंड प्ले है जो कि वन एक्ट प्ले है, और ये एक आयरिश प्ले है, ठीक है। 1945 में आई थी उनकी इम्पोर्टेंट प्ले है ये, अ मास्क ऑफ रीजन, जो कि शॉर्ट वर्स प्ले है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ 1947 में आई थी अ मास्क ऑफ मर्सी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी अ मास्क ऑफ मर्सी, और ये उनकी सक्सेसफुल प्ले भी मानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली आपको ये जो दो हैं, ये दो इम्पोर्टेंट हैं, ये दो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखना है, ये दो इम्पोर्टेंट प्ले हैं उनके। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला, अभी जो आप कह रहे थे ना कि बहुत जल्दी हो गया, तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में भी होंगी, ठीक है। तो देखिए, अ बॉयज बिल, ये उनका चलिए, ये जो अ बॉयज बिल है, अब इसके लिए देखिए, ये जो पहली उनका उनका पहला वॉल्यूम था, ठीक है, ये उनका पहला वॉल्यूम था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो ये पहला वॉल्यूम था, जी हाँ प्रणव, ये पोयम है जो कि पोएटिक कलेक्शन के अंदर आई थी, मैं अभी उसको बता दूंगी, ठीक है। आयरिश होते हैं आयरलैंड वाले, तो आयरिश यानी आयरलैंड, जो आयरलैंड टेक्निक है उसके मॉडल पर लिखा गया, वहां पे जो कैरेक्टर्स है वो आयरिश। चलिए, द रोड नॉट टेकन जो है वो माउंटेन जो इंटरवल थी वहां से ली गई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम है, पहली चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखना है कि कॉमर्शियल पब्लिश्ड बुक है, ये कॉमर्शियल पब्लिश्ड बुक है। तीसरी चीज इससे याद रखनी है कि इसमें क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है इसमें, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है। दूसरी चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ये जो पोयम की का कलेक्शन था, ये उनका जो कलेक्शन था ये उन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था, ठीक है। उनकी वाइफ जो थी, ठीक है, उनकी जो वाइफ थी तो उनको उन्होंने डेडिकेट किया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वाइफ जो एलिनोर थी उनको डेडिकेट करके पहली बार जब उन्होंने पब्लिश किया था लंदन में, तो ये उनकी वाइफ को डेडिकेट था,
दोबारा यानी अमेरिकन एडिशन जो इसका पब्लिश हुआ है वो 1915 में पब्लिश हुआ है, यानी 1913 में ये लंदन में पब्लिश हुई थी और 1915 में ये अमेरिका में पब्लिश हुई थी, ये याद रखना है आपको। यानी बॉयज बिल का अमेरिकन एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1915 में, ठीक है, 1915 में बॉयज बिल का अमेरिकन एडिशन पब्लिश हुआ था, 1913 में लंदन में पब्लिश की गई थी। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इट्स टाइटल वॉज बरोड फ्रॉम हेनरी वेडवर्थ लॉन्गफेलोज पोयम माई लॉस्ट यू, यानी इसका जो टाइटल है अ बॉयज वेल, ये टाइटल कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये टाइटल लिया गया है हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो की पोयम थी एक, और वो पोयम थी माई लास्ट यूथ का, ठीक है। अभी सबको बनार ही मिल रहा है, इस वजह से सबको कल एक्स्ट्रा क्लास थी तो मैंने वो ले ली थी। तो इट्स टाइटल वॉज बरोड फ्रॉम हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलोज पोयम माई लास्ट यूथ, ठीक है, माई लास्ट यूथ से लिया गया था। और वो जो लाइन है माई लास्ट यूथ की वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। लाइन क्या है? अ बॉयज विल इज द विंड्स विल एंड द थॉट्स ऑफ यूथ आर लॉन्ग लॉन्ग थॉट्स, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? ये लाइन है हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो की पोयम जो थी माई लास्ट यूथ की, और वहां से ये जो लाइन में अ बॉयज विल यूज किया गया है, यहाँ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोयम कलेक्शन का टाइटल ले लिया है, यहाँ से उन्होंने अपने पोएटिक वॉल्यूम का टाइटल लिया है, ठीक है। अ बॉयज विल यहाँ से उन्होंने क्या लिया है, वहां यहाँ से उन्होंने अपना टाइटल लिया है अ बॉयज विल, ठीक है। मनीषा कल मैंने दिया था ग्रुप में, डेली ही दे रही हूँ जी, रेनू क्लास डेली चलती है। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पोएटिक कलेक्शन था इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो किसने दिया है? वो एज्रा पाउंड ने दिया है। एज्रा पाउंड से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, द वेस्टलैंड को उन्होंने एडिट किया था, और यहाँ पर वेस्टलैंड में एज्रा पाउंड के लिए डेडिकेशन भी है। और यहाँ पर इस ये जो पोएटिक वॉल्यूम है अ पोएट्स विल, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो एक न्यू फ्रीमैन जो उनका एक पीरियोडिकल था उसमें उन्होंने रिव्यू दिया था इसको लेकर के, और इसका इंट्रोडक्शन जो है वो भी किसने दिया है? एज्रा पाउंड ने दिया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उन्होंने कहा है कि वन रीड द बुक फॉर द टोन विच इज होमली बाय इंटेंट एंड प्लीजिंग नेवर डाउटिंग दैट इट कम्स डायरेक्ट फ्रॉम हिज ओन लाइफ दैट नो टू लाइफ्स आर द सेम, ठीक है। तो ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन है, यस अमेरिकन पोएट थे एज्रा पाउंड, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसको खुद से थोड़ा रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर एज्रा पाउंड ने इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और इसके साथ ही साथ इस पर रिव्यू भी उन्होंने दिया है, और रिव्यू के लिए उन्होंने क्या कहा है कि ये जो मैन है, द मैन हैज अ गुड सेंस टू स्पीक नेचुरली एंड टू पेंट द थिंग्स एज ही सीज, यानी इस मैन के पास क्या है? नेचुरल गिफ्ट है, जिन चीजों को वो जैसे देखता है वैसे ही उन्हें रिप्रेजेंट करता है। ये किसने कहा है? ये एज्रा पाउंड ने कहा है। किसके लिए कहा है? अ बॉयज विल के लिए कहा है, ठीक है, अ बॉयज विल के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ ये जो पोयम है ये किसके लिए रिमार्क की जाती है? अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे उन्होंने रूरल एरियाज की पेंटिंग्स को दिया है अपनी पोयम्स में जगह, यानी उनकी जो पोयम्स है वो रूरल एरिया को डिपिक्ट करती हैं। तो यहाँ पर भी ये जो पोयम है ये रूरल एरिया को ही डिपिक्ट करती है, रूरल को। और साथ ही साथ ये किस लिए मार्क की जाती है? इसकी सिंप्लिसिटी के लिए और इसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए। यानी सिंप्लिसिटी एंड स्पॉन्टेनिटी सिंप्लिसिटी एंड स्पॉन्टेनिटी आर द टू क्वालिटीज ऑफ दिस पोएटिक कलेक्शन, ठीक है। अ बॉयज विल की दो क्वालिटी है इसकी पोएम्स की, पहली तो सिंप्लिसिटी और दूसरी कौन सी है? दूसरी है स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दो चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? बेसिक थीम ऑफ दिस पोएम आर नॉस्टैल्जिया, स्टोइसिज्म एंड फीलिंग यूनिटी विद द सीजंस एंड विद कंट्रीसाइड। यानी टोटली यहाँ पर जो इसकी थीम है वो आपको याद दिलाती है जो आपकी बीती हुई यादें हैं उनके बारे में, और जो रूलर पेंटिंग है, जो रूलर सीन है, जो रूलर सीजन है,
उससे रिलेट करके ये जो पोएम्स है, इसमें जितनी भी पोएम्स है वो आपको याद दिलाती है। तो यहाँ पर इसमें एक बहुत ही फेमस पोएम है, ठीक है, बहुत ही फेमस पोएम है, इसमें काफी सारी पोएम्स है इसमें, और उस पोएम्स के नाम मैंने दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ मैंने बोल्ड लेटर से लिखे हुए हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट पोएम की बात की जाए तो एक मोइंग पोएम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो मोइंग पोएम इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक है पर्सन, वो हार्ड वर्क करता है, फार्मर है, अपनी स्काइप को लेकर के जाता है, हसिया टाइप का जो होता है। तो ये मैं जो इम्पोर्टेंट पोएम है उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगी, इसलिए आप परेशान मत होइए, जो भी इम्पोर्टेंट पोएम है उस पर मैं आपको अलग से क्लास लूंगी। तो पीडीएफ के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो इसमें काफी सारी पोएम्स है और ये पोएम्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट पोएम को मैं यहाँ डिस्कस करूंगी अलग से, जैसे स्टार्स है, स्टॉर्म फियर है, मोइंग है, साथ ही साथ रेवल्यूशन, द टफ ऑफ फ्लावर्स एंड टैन विद अस, कुछ इंपॉर्टेंट पोएम है जिसके जो कि आपको अलग से मैं डिटेल में बता दूंगी, जो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, जैसे मोइंग हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं द रोड नॉट टेकन, या फिर बर्चेज, या फायर एंड आइस, ये सारी मैं पोएम आपको डिटेल में करवाऊंगी जो भी जिस वॉल्यूम से ली गई हैं। तो आपको ये पोएम्स के नाम में जो इम्पोर्टेंट नाम्स हैं बस आपको वो याद रखना है, सारी पोएम आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है, इसलिए आप ये मत परेशान होइएगा कि इतनी सारी, ठीक है, इतनी सारी जो लाइन्स है, इतनी सारी जो पोएम्स है मुझे सारी पढ़नी पड़ेंगी, तो नहीं, सारी नहीं पढ़नी है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है उनकी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको बस उतना ही पढ़ना है। तो पोएम्स के नाम आप जान सकते हैं, या ये पोएम जो फेमस पोएम है वो किस वॉल्यूम में आई थी ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 o'clock है टाइमिंग क्लास की। सेकेंड जो पोएटिक वॉल्यूम था उनका वो था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ठीक है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन ये उनका सेकेंड पोएटिक वॉल्यूम था। और इसमें ये जो है इसमें टोटल अगर पोएम की बात करी जाए तो टोटल पोएम है इसमें 17, यानी टोटल कितनी पोएम्स है इसमें, तो 17 पोएम है टोटल, 17 पोएम्स का ये कलेक्शन था। पहली बार ये कब पब्लिश हुआ था, 1914 में, ठीक है, 1914 में पब्लिश हुआ था। दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज क्या है कि 17 पोएम्स का ये क्या है, कलेक्शन है। दो चीज हो गई यहां पर आपको याद रखना है, पहला तो 17 पोएम्स का कलेक्शन है, दूसरा क्या है 1914 में ये पब्लिश हुई थी। तीसरी चीज इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसको कहा जाता है अ बुक ऑफ पीपल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्या कहा जाता है, इस पोएटिक वॉल्यूम को अ बुक ऑफ पीपल, लोगों की किताब। यानी ये जो पोयम है ये किससे डील करती है, ये डील करती है न्यू इंग्लैंड की जो रस्टिक लाइफ है उनसे डील करती है, जो ओल्ड फार्मर्स थे, यंकीज फार्मर्स, उनसे डील करती है, यानी टोटली ये रस्टिक लाइफ को डील करती है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अ बुक ऑफ पीपल, इसको क्या कहा जाता है, अ बुक ऑफ पीपल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये किसको डील करती है, ये डील करती है किसके साथ, जो गांव के लोग होते हैं, जो फार्मर्स थे उनको डील करती है, जिसकी वजह से गांव की लाइफ को डील करती है, जिसकी वजह से इसको अ बुक ऑफ पीपल कहा जाता है। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो वॉल्यूम है ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी जो डायलॉग स्किल्स है उसको दिखाया है। यानी ये जो पोएम्स हैं ये जनरली ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई हैं, ठीक है, ये जो पोएम है ये क्या है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई हैं। ये संकेत जी जैसे भी टाइम मुझे ज्यादा मिलेगा मैं सारी चीजों को आपको कवर करवाऊंगी प्रैक्टिस सेट के थ्रू, या फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर के आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग में ज्यादातर इसमें जो पोएम्स हैं या फिर आप कह सकते हैं डायलॉग फॉर्म में हैं, जैसे उन्होंने अपने प्लेस भी लिखे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, तो यहाँ पर ये जो पोएम्स का कलेक्शन है 17 पोएम्स का, इसमें आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग मिलेगा ज्यादातर, ठीक है, सारी पोएम्स तो नहीं लेकिन ज्यादातर जो पोएम्स है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में है और या फिर आप कह सकते हैं डायलॉग फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है
एज्रा पाउंड फिर से आ गए यहाँ पर. एज्रा पाउंड हैज रिटन अ रिव्यू ऑफ दिस कलेक्शन इन 1914. ठीक है, उन्होंने इसके लिए भी अपना एक रिव्यू दिया था. ठीक है, उन्होंने अपना एक रिव्यू दिया था और उन्होंने लिखा क्या था, वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी बुक ऑफ ऑल टाइम्स. एज्रा पाउंड ने क्या कहा है, वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी बुक ऑफ ऑल टाइम्स. तो ये आपको याद रखना है, एज्रा पाउंड ने ये क्या किया है, ये रिव्यू दिया है किसके लिए, इस पोएटिक कलेक्शन के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो द पास्चर ये इंट्रोडक्टरी पोयम है. इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो है मेंडिंग वॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है मेंडिंग वॉल, और ये आपके नेबरिंग पर यानी नेबरहुड पर जो है वो बेस्ड है. क्वेश्चन इसमें यूजीसी नेट से पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडिंग वॉल से. तो मेंडिंग वॉल जो है वो नेबरिंग की थीम है, नेबरहुड की थीम है. साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करते हैं मेंडिंग वॉल में, तो इसमें एक लाइन है, गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स. ठीक है, गुड फेंसेज मेक्स गुड नेबर्स बहुत फेमस लाइन है जो कि कई बार पूछी जाती है. तो मेंडिंग वॉल हम डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है. साथ ही साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट पोएम है, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन. ठीक है, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, ये भी इम्पोर्टेंट पोएम है. तो आपको ये भी याद रखना है, नाम याद रखना है द माउंटेन, ये भी आपको नाम याद रखना है. मेंडिंग वॉल आपको डिटेल में पढ़नी है, बाकी आप दो नाम याद रख लीजिए. होम बरियल ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है. ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है, होम बरियल ये भी आप पढ़ेंगे. आफ्टर एप्पल पिकिंग या फिर द कोड और द फियर, ये नाम आप याद रख लीजिएगा कि किस वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी. ठीक है, ये पोएम्स के नाम आपको याद रखने हैं. थर्ड जो इनका कलेक्शन है वो है माउंटेन इंटरवल. ठीक है, थर्ड कलेक्शन क्या है, माउंटेन इंटरवल है. आपको ये याद रखना है यहाँ से माउंटेन इंटरवल को. और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो माउंटेन इंटरवल है इसे पहले हिल वाइफ नाम दिया गया था, बाद में इसे माउंटेन इंटरवल कर दिया गया है. तो इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं. पहली चीज तो ये थर्ड पोएटिक वॉल्यूम है जो कि पब्लिश हुई थी 1916 में अमेरिका में. सेकेंड बार ये रिपब्लिश हुई है किस कब, 1920 में. यानी दो बार ये पब्लिश हुई है, एक बार 1916 में और दोबारा से कब पब्लिश हुई है, 1920 में. ठीक है, दो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है. थर्ड जो चीज है वो पॉइंट है, फाइव लिरिक्स वर कंपाइल्ड अंडर द टाइटल हिज वाइफ. इसमें पांच जो लिरिक है वो हिज वाइफ के का एक टाइटल है उसके अंदर कंपाइल की गई है. और इसके साथ ही साथ इन दिस वॉल्यूम ओनली थ्री पोएम्स आर रिटन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग. तीन पोएम्स हैं जो कि किसमें लिखी गई हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में लिखी गई हैं. ठीक है, किसमें लिखी गई हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में लिखी गई हैं थ्री पोएम्स. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर पोएम की हम बात करें तो वो है द रोड नॉट टेकन. ठीक है, द रोड नॉट टेकन ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जो कि किसमें थी, जो कि थी किसका पार्ट, जो कि थी माउंटेन इंटरवल का पार्ट. ठीक है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, द रोड नॉट टेकन ये आपको डिटेल में पढ़नी है. इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये पोएम आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, द रोड नॉट टेकन. ये फर्स्ट पोएम भी है इस वॉल्यूम की. इसके साथ ही साथ इसमें अदर जो पोएम्स थी मैंने उनका नाम लिख दिया है. सारी पोएम्स आपको नहीं पढ़नी, लेकिन द रोड नॉट टेकन के बाद आपको जो दूसरी इंपॉर्टेंट पोएम है वो है बर्चेस. और ये जो बर्चेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम. कई बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है कि अर्थ इज राइट प्लेस टू लव. ठीक है, अर्थ इज राइट प्लेस टू लव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द पोएम बर्चेस और कई बार पूछा हुआ है. और ये भी नेचुरल सीन को डिपिक्ट करती हुई पोएम है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बर्चेस को भी. ठीक है, तो ये हमको डिटेल में पढ़नी है. यहां से दो पोएम हमें डिटेल में पढ़नी है, एक तो द रोड नॉट टेकन और दूसरी बर्चेस. दोनों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. बाकी मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, आप नाम देख लीजिएगा कि कौन कौन सी पोएम है. सारी पोएम्स आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है. नेक्स्ट वॉल्यूम है द हैम्पशायर. ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट वॉल्यूम है क्योंकि इसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 1923 में. और इसके बाद हम बात करते हैं तो ये जो वॉल्यूम है इसमें जो मोस्टली पोएम है, ठीक है, इसमें जो मोस्टली पोएम्स हैं वो किस में लिखी गई हैं, वो सटायर वे में लिखी गई है, ह्यूमरस वे में लिखी गई है, यानी फनी मोड में
लिखी गई हैं, और वो सटायर कैसी है? सोशल सटायर। ठीक है, सटायर कैसी है? सोशल सटायर, यानी सोशल इविल को डिपिक्ट करती हुई पोएम्स हैं, सैटिरिक फॉर्म में लिखी गई है, सटायर के फॉर्म में लिखी गई है। सटायर क्या है? जब आप किसी वाइस को सोसाइटी में, जो किसी वाइस है, कोई फॉली है, तो आप उसे जब एम करके अपनी पोएम लिखते हैं टॉन्टेटिव वे में, उसे हम सटायर बोलते हैं। तो जब हम उसे मेंड करने के, उसे इम्प्रूव करने के, कोई फॉली है, कोई वाइसेस है सोसाइटी में, तो उसे इम्प्रूव करने के पर्पस से अगर कोई पोएम लिख रहे हैं टॉन्टेटिव वे में, तो वो सटायर होती है। तो ये भी जो पोएम्स हैं, ये क्या हैं? ये सटायर वे में लिखी गई हैं, ह्यूमरस वे में लिखी गई हैं। और सटायर किस पे किया गया है? सटायर किया गया है अमेरिकन ग्लोरिफिकेशन और मैटेरियलिज्म पे। यानी वर्ड्सवर्थ ने जिस चीज पर सटायर किया है, सेम उसी चीज पर इस वॉल्यूम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सटायर किया। वर्ड्सवर्थ ने भी मैटेरियलिज्म पर ही सटायर किया हुआ है, और यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी इस पर ही सटायर किया है। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी। तो ये दो चीज आपको यहां से याद रखना है। इस बुक में कई सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस वॉल्यूम में, तो इस वॉल्यूम में जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, जिसमें जो पहली इंपॉर्टेंट पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इसमें है कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। शायद इसको आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हो या हाई स्कूल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, और इसकी लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है पोएम, वो है नथिंग कोल्ड कैन से, और इसके बाद फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। तो ये जो लाइन है, ओपनिंग लाइन है, तो ये लाइंस आपको अलग से पढ़ा दी जाएगी, क्योंकि ये पोएम जो है इन्हें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। जो इंपॉर्टेंट पोएम है वो डिटेल में डिस्कस की जाएंगी, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। ये दो पोएम भी क्या होंगी, आपकी डिटेल में डिस्कस हो जाएंगी। बाकी जो इसमें पोएम्स हैं, वो मैंने नेम लिख दिए, आपको पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है जी, नेहरू जी की फेवरेट थी, और स्पेशली ये जो पैराग्राफ था इसका लास्ट वाला, जिसमें लास्ट लाइन है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये बहुत फेमस लाइन है, और इसमें कई बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है। पीजीटी और जीआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट में भी मेंडिंग वॉल बर्चेज और द स्नोवी जो है ये स्नोवी इवनिंग, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं। तो पीजीटी, जीआईसी एंड नेट, स्पेशली इन तीनों के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो ये इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, जिनको मैं हाईलाइट करते चल रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी सारी पोएम्स हैं इसमें, आपको सब डिटेल में नहीं पढ़नी है, जो मैंने बताया बस आपको वही डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद वेस्ट रनिंग ब्रू, ये उनका एक और कलेक्शन था, और इसमें इसकी वजह से, इस कलेक्शन की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक निकनेम दिया गया था, एक टाइटल दिया गया था, और वो टाइटल क्या था? होमस्पन फिलोसफर। तो होमस्पन फिलोसफर ये जो टाइटल है, ये किस लिए दिया गया था? ये उनके पोएटिक वॉल्यूम वेस्ट रनिंग ब्रूक के लिए दिया गया था। ब्रूक एक छोटी नदी, एक छोटी जलधारा है, और जब ये जो टाइटल है, ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि जब ये डेयरी में थे, मैंने आपको बताया डेयरी में इन्होंने एक फॉर्म लिया था, जिसे बाद में इन्होंने सोल्ड कर दिया था। तो जो डेयरी में इन्होंने फॉर्म लिया था, उसकी लोकेशन जो ऐसी थी कि सारी जो रिवर थी वो वेस्ट के साइड में जा रही थी। ठीक है, वो सारी जो रिवर थी वो वेस्ट में जा रही थी, और यहाँ पर ये जो रनिंग ब्रूक है, ठीक है, ये जो सारी जो रिवर्स थी वो ईस्ट साइड में जा रही थी, और ये जो रिवर थी वो वेस्ट साइड में जा रही थी। मैंने गलत बोल दिया था। तो सारी रिवर ईस्ट साइड में जा रही थी, और ये वाली जो ब्रूक थी ये वेस्ट साइड में जा रही थी, सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सारी रिवर्स जाके ओशन में मिल रही थी। तो इसको देख करके उनके दिमाग में ये ख्याल आया, और उन्होंने इसका टाइटल दिया। तो ये टाइटल जो है, ये टाइटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है, वो दो इंपॉर्टेंट पोएम है, जिसमें जो पहली इंपॉर्टेंट पोएम है वो क्या है? इट इज सोल्जर, जिसमें उन्होंने ह्यूमनिज्म को इम्फेसिस किया है, ह्यूमनिज्म पर फोकस किया है। और दूसरी जो टाइटल पोएम है, वेस्ट रनिंग ब्लू, ये दो इंपॉर्टेंट पोएम है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पोएम है, और ये दो पोएम जो है इसको आपको पढ़ना है, किसमें? वेस्ट रनिंग ग्रुप में। ये दो इंपॉर्टेंट पोएम है, और ये आपको याद रखना है कि ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा भी कई सारी पोएम्स हैं, लेकिन वो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है फर्दर रेंज, ठीक है। अब फर्दर रेंज जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और इसको भी पुलित्जर प्राइज मिला था, ठीक है। तो वेस्ट रनिंग ब्रूक है टाइटल। तो अब फर्दर रेंज क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ हिज प्राइज, पुलित्जर प्राइज मिला था इसको। अब फर्दर रेंज को 1936 में आई थी और इसमें जो पोएम्स हैं उनको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 6 पार्ट में, उनको टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और 6 पार्ट जो है, ठीक है, जो 6 पार्ट्स है उस वो नेम आपके क्या है? पहला तो टेकन डबली है, दूसरा टेकन सिंगली है, थर्ड जो नेम है वो 10 माइल्स है, फोर्थ है द आउटलैंड्स, फिफ्थ है बिल्ड स्वायर एंड सिक्स है मैसिव मिसल। तो ये आपको याद रखना है कि 6 पार्ट कौन कौन से थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से ये चीज आपको याद रखना है। जी हाँ, सोनेट भी लिखे हैं इन्होंने, पोएट के वॉल्यूम्स में आपको सोनेट भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें आपको कई सारी पोएम्स है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट एक पोएम है जो आपको मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट भी कर दिया है, टू ट्रैम्स इन मड टाइम, ठीक है। ये जो है इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो इसमें पोएम्स है उसके अगर आप नाम भी याद रख लेंगे तो भी क्लियर है, लेकिन ये जो है ये आपको याद रखना है। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं कि वो किस वॉल्यूम में आए थे, ठीक है, वो किस वॉल्यूम में आए थे, ये आपको याद रखना है। तो काफी सारी पोएम्स हैं इसमें और इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है। आज का जो लास्ट होगा वो ये होगा द विटनेस ट्री, ठीक है। द विटनेस ट्री जो है ये एक पोएटिक कलेक्शन था और इसमें जो पोएम्स हैं मोस्टली वो शॉर्ट लिरिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो पोएम्स हैं मोस्टली वो शॉर्ट लिरिक्स हैं, यानी छोटी छोटी पोएम्स हैं। और इसमें और दूसरी चीज आपको याद रखनी है इसमें कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ उन वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए थे अपनी सेक्रेटरी के साइड में, के मॉरिसन नाम था उनका, तो उनसे भी इंस्पायर्ड करके जो भी इस पोएटिक वॉल्यूम में जो भी लव पोएम्स हैं वो इंस्पायर्ड है उनकी सेक्रेटरी के मॉरिसन से, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर 4th पुलित्जर प्राइज मिला है उनको। और चौथी चीज जो आपको याद रखनी है कि द गिफ्ट आउट राइट जो कि उन्होंने कैनेडी जॉन एफ कैनेडी की सेरेमनी स्पीच के समय रिसाइट किया था वो पोयम यहीं से ली गई है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि वो पोयम कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो द गिफ्ट आउट राइट और दूसरी इंपॉर्टेंट पोयम है इसमें द सिलिकन टेंट। ये सोनेट ही है द सिलिकन टेंट, ये आपको याद रखनी है, नाम आपको याद रखना है, स्पेशली आपको गिफ्ट आउट राइट जो है वो याद रखनी है। तो यहाँ पर आपकी जो आज की क्लास थी इसमें मैंने आपके वॉल्यूम्स को डिस्कस किया था। तो ये मेजर वॉल्यूम्स थे पोएटिक वॉल्यूम्स जो कि आए थे किनके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। और कल की क्लास में जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं इनकी जिनको मैंने हाईलाइट किया है उसमें से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस कर दूंगी, यानी उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगी विद इम्पोर्टेंट लाइंस, यानी उन पोएम के जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं या जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं उनको कल की क्लास में डिस्कस करूंगी, जो भी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है कि टाइप करके मैम क्यों पढ़ा रही हैं, लिख करके पढ़ाइए, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से क्लासेस जो है वो परमानेंटली आपको ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की वजह से मैं टाइप करके पढ़ा रही हूँ, PDF मैं आपको सेंड करवा दे रही हूँ। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, और अगर आप वीडियो को 2 या 3 बार देखें तो उससे आपका ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं है उससे, अगर आपको सेकेंड टाइम वीडियो देखना पड़ रहा है तो। आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार वो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होंगी और वो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल की क्लास में इनकी जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनको डिस्कस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।